नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और मैं हूं दिल्ली के घोंडा विधानसभा में, जयप्रकाश नगर में। और जनता यहां काफ़ी परेशान है पानी को लेकर। जिस तरीके से वादे किए थे केजरीवाल ने कि साफ पानी मिलेगा, सर्वेंद्र जी हमारे साथ हैं, सीधे दिखाएंगे, पानी भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे। सर्वेंद्र जी बताएँ किस तरह का पानी आ रहा है अभी। जयप्रकाश नगर में समाजसेवी होने के नाते मेरा काफ़ी लोगों से बातचीत हुई पानी को लेकर। जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने बताया कि जयप्रकाश नगर के अंदर पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पानी गंदा आ रहा है। पहली बात तो पानी आता ही एक घंटा है और आता ही एक घंटा है वो भी पानी गंदा आता है। और ये समस्या जयप्रकाश नगर की नहीं, पूरे घोंडा विधानसभा क्षेत्र की समस्या है। तो आज ये निर्णय लिया कि सभी क्षेत्रवासियों ने कि हमें किसी नेता के पास नहीं जाना है, हम सब लोग स्वयं अपनी समस्या को उठाएंगे। आज सभी जयप्रकाश नगर के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में एक प्रोटेस्ट किया। आज उन्होंने विधायक जी और यहाँ के जो श्रीधर शर्मा जी विधायक हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ एक प्रदर्शन किया और क्षेत्र के अंदर प्रभात फेरी निकाली और उन्हें जागरूकता अभियान चलाया कि स्वच्छ पानी का अधिकार, ये हमारी जनता का अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। आप पूरे क्षेत्र में गए, गली गली गए, घर घर गए, किस तरह का पानी मिला? ये इस तरह का पानी पूरे क्षेत्र के अंदर आ रहा है। मैं RWH ब्लॉक जयप्रकाश नगर का अध्यक्ष होने के नाते एक दो बार विधायक जी से भी मिला, हमने उनसे कहा भी था, तो उन्होंने छूटते कहते हैं कि अपने घरों के कनेक्शन चेंज करवा लो। लेकिन ये समस्या आम जगह हो रही है, पूरे विधानसभा की ये पोजीशन है। खड्डे वाली मस्जिद, करता नगर, XYZ कहीं भी जाओगे ना, वहाँ पर यही पानी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट नाले का पानी आ रहा है। इसे पब्लिक पिएगी तो क्या करेगी? हम इस डेलीगेशन को बोटलें इकट्ठी करके एक दो दिन में विधायक जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का हमारा प्लान बना हुआ है कि हम मुख्यमंत्री जी को जाके ये पानी भेंट करेंगे। हमने यही रास्ता है हमारे पास, उससे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है। मैडम कितनी परेशानी हो रही है इस पानी से? आप देख सकते हैं इस वक्त पानी की बोतल है और ये पूरा साफ साफ, इसमें कीड़े भी हैं, गंदगी भी है। जयप्रकाश नगर की जनता, पूरे घोंडा विधानसभा की जनता, हमने पूरे में एक प्रभात फेरी निकाली और लोगों से बातचीत की, पता चला सभी लोग ऐसा पानी पीने को मजबूर हैं। लोग क्या कर सकते हैं, गरीब जनता है, वो रोज़ 500 रुपये रोज़ एक बोतल ला रहे हैं, उसी से खाना बना रहे हैं, उनका घर का कार्य उसी से चल रहा है। हम लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि श्रीधर शर्मा जी ने यहाँ पर एक भी विजिट नहीं किया और जब लोग कंप्लेंट लेके गए हैं तो उस बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, आश्वासन देके उन्होंने छोड़ दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि वो जनता को फ्री ना दें। फ्री तो वो वैसे भी नहीं दे रहे, वो उसका चार्ज कर रहे हैं लोगों के। हमने बिल चेक किए हैं, 20,000 बिल है, 14,000 बिल है। तो मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है हमारा कि आप जनता को जहर नहीं, पीने के लिए साफ पानी दीजिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को जरूर पूरा कीजिए। मनीष जी क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली सरकार के? देखिए मैंने बहुत देर से अभी ये बोतल पकड़ रखी है, मेरा बिल्कुल कतई मन नहीं है कि इस बोतल को मैं यहाँ पे भी लाऊं। इसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है। सोचिए जो पानी नलके से आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन से आ रहा है, जिसका हमने सर्विस चार्ज दिया है, जिसके हमने प्रॉपर एक सिस्टम से पाइपलाइन बिछा के एक्स ब्लॉक जयप्रकाश नगर और आज जो बलबीर जी ने और हमारे सर्विंदर जी ने जो समाज सेवी होने के नाते लोगों की समस्या उठाई है, वो बहुत सही समस्या उठाई है कि इस पानी से नहाने से, सोचिए हमारी त्वचा में, त्वचा का भी कैंसर होता है, बालों की भी समस्या होती है, छोटे छोटे बच्चों को यदि वो गलती से ये पानी पी जाए तो डायरिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी आज हम हॉस्पिटलों में देखते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। क्यों लगी हैं? ये सिर्फ इस पानी की वजह से लगी हैं। जल ही जीवन है केजरीवाल जी, यदि आप इस बात को समझते हैं, आपको सत्ता में आए हुए 4.5 साल हो गए, यदि आप दिल्ली जल बोर्ड को नहीं संभाल सकते तो आपको केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री की सत्ता को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पानी जनता के लिए है। ये जनता है नहीं, आपको इसके लिए वोट दिया था। यदि ये आप जनता को ये पानी साफ नहीं दे सकते तो आप बहुत गलत बात है। आप सुनिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। नाम है आपका? कृष्णा शुक्ला। होम नंबर बताइए। हमारा जो है सुदामापुरी में हम रहते हैं, लेकिन हर एक घर में, हर एक गली में गंदा पानी है। माया सदानंद मिश्रा जो है बोले कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं फ्री पानी दे रहे हैं, हम फ्री बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन पानी के बिल जो है 14,000, 10,000, 15,000 बिल हमारा आया है। इस समय बिल अब भी आता है? अब भी 15,000 का बिल है हमारे पास, गंदे पानी का बिल। अब पानी पीने लायक नहीं होता, नहाने लायक नहीं है, इतना बदबू आता है पानी में जिसका कोई हद नहीं है। उसको हम नहा नहीं सकते तो पियेंगे कैसे उस पानी को? आपके यहाँ भी बहुत गंदा पानी आ रहा है। पहली बात तो पानी आता नहीं है, अगर एक घंटे के लिए आता है। मैं जयप्रकाश नगर में रहती हूँ, मेरा नाम शीतल शुक्ला है। पानी बहुत गंदा आता है और आता है तो एक घंटा सिर्फ पानी आता है, वो पानी बेकार है, किसी यूज का नहीं है। मैडम आप बता रही, ये सारी जनता बता रही है, सब सही के बता रही है। सरविंदर जी आप गली गली गए, घर घर गए,
ज़्यादा समस्या क्या आ रही है इस पानी को लेकर? इस पानी को लेकर ये समस्या है, एक तो पानी सीवर का कहीं ना कहीं कनेक्शन पानी से अंदर है, लाइन के अंदर, मेन होल के अंदर, तो पानी गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है और ऐसा पानी है जैसे सीवर का पानी हो। इसको पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये जो सीवर का पानी पी रहे हैं वो भी पैसा दे के पी रहे हैं, उनका बिल भी आ रहा है, किसी का भी एक 20,000 का बिल अभी दिखाया था किसी ने, तो किसी का 1,000 का, किसी का 10,000, किसी 5,000 का बिल भी आ रहा है। तो यहाँ पर लोग फ्री में पानी नहीं चाहते, लोग चाहते हैं जिस प्रकार हम बिल दे रहे हैं बिल देंगे, लेकिन हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हमें बीमार नहीं होना है, क्योंकि अगर परिवार में एक आदमी भी बीमार हो गया तो पता चला कि लाखों रुपए उस बीमारी पे लग जाते हैं, कि किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। तो इसलिए हमारा ये अधिकार चाहिए, लेकिन विधायक जी आते ही नहीं है, विधायक जी किसी की बात सुनते ही नहीं है। यहाँ पे क्षेत्र में उनका वो तो मस्त रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, और CM साहब का तो कोई पता ही नहीं कि कहाँ। लेकिन क्षेत्रीय जनता ने निर्णय लिया है, हम ये पानी बोतल भर रहे हैं, इन बोतलों को हम मुख्यमंत्री आवास पर जाके मुख्यमंत्री जी को भेंट करने वाले हैं कि CM साहब ये क्षेत्र की जनता पानी पी रही है, आप इसको देखिए और संभव हो तो आप भी इसको पीजिए, ऐसा हम निर्णय लेने वाले क्षेत्र। कब से गंदा पानी आ रहा है? लगभग 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 साल के बाद ये पानी निरंतर यही हालत है। और इसके लिए कई बार यहाँ के जो एक्सियन साहब हैं उनसे भी बात की, JE साहब से भी बात की है, विधायक जी से भी बात की है, तो आश्वासन होता है कि कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया है और आज तक पानी की कोई भी लीकेज जो बंद नहीं हुई है, और इसी प्रकार से गंदा पानी पीने को क्षेत्र की जनता मजबूर है। बलवीर जी, दिल्ली जल बोर्ड का कोई टैंकर आता है यहाँ पर? नहीं जी, यहाँ पर कोई टैंकर नहीं आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ का क्षेत्रीय जो विधायक है, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई करने वाले हैं, जो पानी वाले हैं, मुझे लगता है उनसे उनकी सेटिंग है। हर घर में पानी की बोतलें आ रही हैं, 20-30-50 रुपए की हर घर में आ रही है, ऊपर से बिल भी आ रहे हैं, उसके बाद में लोग वहाँ पानी खरीद रहे हैं उसको, इससे आप पीने की तो बात छोड़ो, आप हाथ नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी, इतनी बदबू है, स्मेल है इस बोतल के अंदर, खोलोगे तो मतलब आप हाथ भी नहीं धो सकते, ये पोजिशन हो रही है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको क्षेत्रीय जनता, और वो आते आते एकदम सीवर का पानी आने लग जाता है, टंकी कब में सीवर के पानी से भर जाती है पता ही नहीं लगता है, जिससे बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। बिल्कुल ब्लैक पानी आ रहा है, जिससे कि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारा स्टमक बिल्कुल अपसेट हो जाता है, डे बाय डे हम कैसे उसको रिकवर करें, ना यहाँ पे श्रीधर शर्मा जी आते हैं, ना देखते हैं कि गली की कंडीशन क्या है, लोग बाग इतना फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो ऐसे कब तक हम फेस करते रहेंगे इस प्रॉब्लम को? नाले का पानी आता है, गंदा पानी आता है, पी नहीं सकते, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, अगर मान लिया RO वगैरह लगाने के बाद भी RO भी फेल है। कब से गंदा पानी आ रहा है? ये तो 1.5-2 साल से तो बिल्कुल गंदा आ ही रहा है, और इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, यहाँ पे अफसर आते हैं, वो ऐसे टाइम पे आते हैं जब पानी बिल्कुल साफ दिखाएंगे, आएंगे 2 बूंद में डालेंगे दवाई की और बोले जो ओके है, पीने का बिल है, देखो हमने पास करा लिया, साइन करो। ओमपति शर्मा, J4/1, गली नंबर 4, सबसे गंदे पानी आ रहे हैं, अब बता है कई सालों से ही आ रहे हैं, तो पानी क्या करें, अब बिल दे दे दबा दबा के फर रहे हैं, तो हाँ जल बोर्ड के यहाँ जाती हूँ पूछ के, अधिकारी कोई नहीं आता, नहीं आता, पानी लेके यही दिखाया, चेक करने आए एक आध दफा, जब भाई यही कह देते हैं कि सफा करवा देंगे, कोई बात नहीं है, हाँ बस यही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते, अब फर्रे दे देते हैं बने बने के बिल भर के, और जो कहते हैं भैया गंदा पानी कहाँ से भरा है, ये तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, है खाना फिल्टर के पानी में बनाते हैं, फिल्टर के पानी में, जब ही तो कहती हूँ 500 रुपये रोज के खर्च हो रहे हैं, हाँ बताओ क्या करें, अब बच्चे बीमार नहीं, बच्चे बीमार हो जाए तो उनके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कमाई इतनी नहीं, कोई किसी के धंधे नहीं है, है? ये कल विधायक जी क्या कानून है, ये देखो पानी में कीड़े पड़े हुए हैं, पानी इतना गंदा है, पानी नहीं है, ये कल विधायक जी के पास गए थे, क्या जवाब दिया, जो काफी नाराज है पानी को लेकर, काफी गली गली इन्होंने प्रदर्शन किया पानी को लेकर जाके, और बताया कितना पानी गंदा आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।